हाय, आज कुछ एक्सेल शीट को हमने मॉडिफाई किया है, स्टॉप लॉस को कुछ है वेग से वगैरह क्या क्या किया, जो भी एक्सेल शीट है थोड़ा सा अलग टाइप सब बना दिया, FIDI डाटा का और प्लस जो भी बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस है और जो भी बात ज़्यादा बात कम काम ज़्यादा करेंगे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंटेशन जाएंगे, यहाँ पे क्या किया मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल WD ज्ञान को एस्ट्रोलॉजी जो है उसको और इसके अंदर दोनों एक जगह कर दिया। वो काम तो ये किए, मगर यहाँ पे जो भी कैलकुलेटर है वो सही तरह से मतलब कहीं ना कहीं आगे पीछे हो रहा है, कुछ ना गड़बड़ हो रहा है। इतना टाइम ट्राई किया फिर भी कहीं ना कहीं, सपोज यहाँ पे देखो ये मैं बता रहा हूँ, सपोज इसमें 200 देंगे, 200 दिया, 200 कब्बा 203 राइट। अगर मैं इसका साथ एक्सेल शीट भी इसीलिए प्लस कर दिया क्योंकि पहला ऐसा नहीं था, एक था इसमें नहीं था, तो इसलिए मैंने इसका साथ ज्वाइन कर दिया। क्योंकि इसमें जो हम दिया तो इसमें क्या बाय अब प्राइस आ रहा है 203 राइट, हम दिया 200, अभी इसमें कितना आ रहा है देखेंगे। इस कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे 200 से 203 आएगा, अभी तो यही पता चलेगा क्या है। नहीं 200 में दिया, 200 कहाँ है भाई, 200 कहाँ है। चलो यहाँ पे थोड़ा इसमें थोड़ा लेट हुआ, कोई भी बात नहीं चलेगा, इतना लेट तो हो जाता है यार ट्रेड थोड़ी, इतना है मैं एल्गो थोड़ी बन रहा हूँ, हम तो ट्रेडिंग करेंगे ना। 200 को तो 200, यहाँ पे देखो 219, यहाँ पे 200 तो नहीं आ रहा है, 199, तो न्यू प्राइस 203 रुपया आ रहा है राइट। तो हम लोग 203 रुपया बाई प्राइस ले लेंगे। BWAP प्राइस इस तरह से होता है, 200 में पकड़े तो 203 रुपया होता, तो यहाँ पे करेक्ट है राइट, यहाँ पे सही है। और उसका सेल है अब कितना, 199, अभी पता चलेगा, अभी 199, 199.52 राइट, 199, हाँ ये करेक्ट है, अभी तो ये इसमें तो करेक्ट दे रहा है। अभी मैं और एक ले लेंगे, सपोज 500 का ले लेंगे, अभी जाके गड़बड़ होगा देखना, कुछ जितना ज़्यादा कोई ना कोई एक जगह ना फॉल्ट हो रहा है, करंट दे रहा है फिर भी मतलब मेरा डाउट लग रहा है। अभी ये 500 राइट अबव प्राइस ये गलत दे रहा है, देखो यहाँ पे 500 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि 500 का ऊपर जाएगा और इधर पीछे 495 ये ठीक है सेलिंग का, बाय अबव 505 ये होगा, तो ये यही गलत हो रहा है, इसीलिए कंफ्यूज। मतलब कैलकुलेटर ठीक है मगर क्या है, थोड़ा सा मतलब आगे पीछे कितना भी ट्राई कर रहा हूँ साला एक ना एक प्रॉब्लम हो ही रहा है, तो इसीलिए कोई भी। अभी एक बात बताओ, हम लोग ये बादशाह ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर भी देख रहे हैं ना, WD एस्ट्रोलॉजी, इसमें भी गलत है क्यों, वो आगे पीछे वो करेक्ट नहीं है। मैं कितना भी बहुत सारे ट्राई किया, मतलब एक्सेल शीट में परफेक्ट आ रहा है क्योंकि एक्सेल शीट और वो जो एक्स कैलकुलेटर दोनों में मैच नहीं होता है, क्योंकि ये मैन्युअली करना वो अलग से होता रहता है, इसीलिए हम 500 लिया राइट। तो हमें 400, 500 में कितना आ रहा है भाई, या 400 का, या 400 या 500 का लाइन राइट, ये देखो 500, 500 का आगे कितना 506 रुपया है, तो यहाँ पे ये बोला ना ये देखो गलत है, तो इस तरह से बाय करते लॉस हो जाएगा हमारा 500 से। यहाँ पे खाली बस पहला वाला पकड़ना, उसको बाद ठीक है 511 देखो, 500, 511, 517 या फिर 523, 523, 528 ये सब ठीक है, बस खाली इतना ही पकड़ने का है, 523 ठीक है, ये तो बराबर है। इसका पीछे कितना देखो, 500 लिए तो कभी 500 प्राइस नहीं पकड़ना, उसका एक प्राइस मिडिल का छोड़ना चाहिए, क्यों 500 का कितना आता है 495, यहाँ पे देखो 495, ये ठीक है। मतलब यही कंफ्यूज है, इतने कंफ्यूज करने के लिए हम लोग एक्सेल शीट के साथ में आप लोग को
यहाँ पे मैनेज कर दिया एस्ट्रोलॉजी मतलब जो भी यह इसमें ना कभी भी बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है। अब बहुत सारे लोग करता है बैंक निफ्टी निफ्टी में, मगर आप लोग करना ही नहीं है क्योंकि ये जो बना है ना इसमें ये ज़्यादा एक्यूरेसी देता है कोई भी स्टॉक में जो ऐसा स्टॉक होता है, ठीक है। और इसके साथ आपने क्या करना, एक वॉल्यूम प्रोफाइल ले लेना, उसको डिमांड सप्लाई तो देखना चाहिए हाँ, जिसको रेजिस्टेंस सपोर्ट बोला जाता है, जो मैजिक लेवल बना देना। इसको एस्ट्रोलॉजी को मैजिक लेवल से यूज़ करना है, खाली एस्ट्रोलॉजी लगा के रख दिया हो गया बस ख़त्म, वैसे नहीं। एस्ट्रोलॉजी को आर्टिफिशियल बनाना है, उसको मैजिक लेवल बनाना है, तब जाके ट्रेड करें तो 100 मतलब मैक्सिमम 80% तो सक्सेस रहेगा आपका प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो बैक टेस्ट करो, कुछ भी करो, देखो अभी हम लोग तो कोर्स तो पैसा दे देता है मगर सीखता नहीं, मेरे को क्या जरूरत है, तुम सीखो ना जाओ भाड़ में जाओ, मुझे क्या फ़ायदा है, सीखे तो अच्छा है, नहीं सीखे तो तुम्हारा भी अच्छा है, मेरे कई को दिमाग ख़राब करना। पैसा हर चीज़ नहीं होता है, सीखने का तरीका रहना चाहिए हम लोग को। तो ये एक्सेल शीट जो भी है ये तो मैंने दोनों जगह एक जगह कर दिया, क्योंकि कैलकुलेटर में ना कर परफेक्ट ही नहीं है, वो कौन सा भी सॉफ्टवेयर दे रहा हो देख रहा हो सही नहीं है साला, वही इतना ही कन्फ्यूज हो रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है थोड़ा उतना बस हो नहीं रहा है, इसीलिए मैन्युअली देखना पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं, परफेक्ट नहीं है, तुम कितना भी कैलकुलेटर बना लो 100 बार बना लो देखना जाके गलत हो ही सकता है, मतलब वो आगे का प्राइस पीछे का प्राइस मैच ही नहीं हो रहा है, उतना ही कन्फ्यूज है, इसलिए मैन्युअली बस एस्ट्रोलॉजी को मैं यहाँ पे ऐड कर दिया, तो हम एस्ट्रोलॉजी को काट देंगे WD। मतलब आप क्या करना, पहले तो फर्स्ट यहाँ पे आ जाना, फटाफट करके लिख लेना, जैसे आप लिख 100 1000 राइट, 1000 फटाफट कर देना, 1000 कितना, 1000 1000 तो नहीं आता, 107 आता, 1007 रुपया प्राइस आता राइट, तो 1007 रुपया 1000 में चले जाएंगे, 1000 में जाएंगे, ये देखो मैं 1000 में एक राउंड मतलब ऐसा लाइन लगा दिया, तो यहाँ पे 1000 में जाएंगे, ये 1000 आ गया, 108 रुपये राइट, 108 116, तो यहाँ पे देखो 107 तो वही 56 का है, 7 8 ही आ रहा है 56, ज़्यादा पैसा का फर्क नहीं, 115 हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 116 हाँ वही, मतलब थोड़ा इधर उधर उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप ना कभी भी 1000 रुपया कितना भी स्टॉक ट्रेड करो कोई बात नहीं, 4-5 हज़ार भी चला, स्टॉक में ये चलता बोल रहा हूँ ना, डिमांड एंड सप्लाई मैजिक लेवल वगैरह सब यूज़ करना, वो कैसा आने वाले समय आप लोग अगर जूम क्लास होगा तो उस टाइम देखा सकते हैं, मैन्युअली बोल के आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो हो गया एक्सेल शीट काट देंगे इसका, हाँ एक हो गया। और एक एक्सेल शीट क्या किया मैंने, बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस जो है उसको क्या किया, देखो बाई तो हम लोग करता है बैंक निफ्टी, बायर के लिए मैं बिल्कुल पेपर नहीं हूँ, यहाँ पे जो सेलिंग है इंडियन बैंक्स उसको देखना पड़ता, इसीलिए अब चाहे तो मैं एक काम करेंगे इसको लाइव, वेट करो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे मैं, क्योंकि मेरे 12 बज गया सोना है अभी, देखो हाँ ये सब कॉपी किया भी कौन सा, यही होगा ये पाइडिया का डाटा चले गया मैं भाई, इसका तो थोड़ा बाद में देखेंगे, हाँ वो भी मॉडिफाई किया, तो ये जितना भी है सब मॉडिफाई हुआ, या बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस हाँ ये ऑन है, उधर कॉपी किया मैंने, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, क्योंकि एक दो रखना पड़ता कभी कभी एडिट करने में इधर उधर हो जाता, ये कुछ बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस राइट, हाँ यहाँ पे इंडियन बैंक्स है, यहाँ पे तो दे दिया मैंने, आप लोग को क्या देखना, ग्लोबल डाटा दिखाना था रिसेंट, ये चलो ग्लोबल नहीं क्या वो इसमें तो ये लाइव है, ये सब लाइव चलता, क्योंकि ये डाटा में अगर चाहे तो अभी स्पॉट प्राइस इस तरह से भी लाइट मतलब लाइव कर सकते हैं, मैं वहाँ पे स्पॉट प्राइस को यहाँ पे कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेंगे, वो कोड वगैरह जो है वो लाइव जो भी है लाइव
आप लोग को खाली इंडियन बिक्स है, वो भी तो लाइव बना सकते हैं हम। हर चीज तो लाइव हो जाएगा, फिर काम क्या है? स्टॉप लॉस जो बैठा इतना छोटा सा काम है तो कर लेना, उसमें क्या है। अरे भाई स्टॉप लॉस ये वाला नहीं यार, मैग्नेटिक स्टॉप लॉस। हाँ ये वन वन है वो, आप लोग को ना लिंक मतलब वहाँ पे कैरेक्टर रख दिए, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करके रखा है ना, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ। तो ये जो भी इंडियन फिक्स है, आप बस स्पॉट प्राइस उस टाइम में कितना चल रहा है वहाँ पे ओपन प्राइस था 11950, इसको ले लेना। उसके बाद इंडियन फिक्स कितना है दे देना। उसके बाद ये हाई कितना है राइट, एनुअल। हाँ उसके बाद मंथली और वीकली और एक्सपायरी। जब आप पोजीशन बना रहा है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, तो इस तरह से ये देखना पड़ता है। तो एक्सपायरी डे में तो ये क्या है फॉर्मूला है, 365 डेज, ठीक है, इतना बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से कुछ कंडीशन है, तो आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो इसको ध्यान रखना। जो एक्सपायरी डे है, ठीक है, एक्सपायरी डे मतलब अपने ध्यान रखना जो कितना दूर है, ठीक है, हाई लो उतना ध्यान रखना, हाई लो ध्यान रखना उसका अंदर चाहिए 2.7 या मंथली 5.7, ठीक है। और एनुअल है वो सब, फिर मंथली उतना तो नहीं जाएगा वो, आप डेली का जो अगर इंटरनेट ट्रेड कर रहे हैं तो वह ध्यान रखना ऑप्शन सेलर के लिए। तो इतना इंडियन बिक्स, ठीक है। और यहाँ पे तो ये स्टॉप लॉस का साथ मैंने ये जोड़ दिया, क्योंकि फिर दूसरा एक्सेल शीट में जाने के लिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मुझे भी प्रॉब्लम होता है, तो मैन्युअली हो जाता है। अगर ये भी चाहे तो लाइव भी कर सकता है, उतना सब कुछ बात नहीं, दो क्लिक का काम हो जाएगा। ये निफ्टी एक्सपर्ट प्राइस, मगर एक्सपर्ट प्राइस क्या होगा, कभी आते जाएगा जाते रहता, लाइव होता है ना, तो वो नहीं लेना, ओपन प्राइस ले लेना तो अच्छा रहता, ठीक है। और नहीं तो अब जिस टाइम में चल रहा है लाइव प्राइस ले ले, वो भी अच्छा रहता है, लाइव प्राइस ले लेना बस, वो ही ठीक रहता है, लाइव प्राइस लेने से ठीक रहेगा। क्योंकि वहाँ से कितना पॉइंट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो ध्यान रहेगा, ठीक है। अब लाइव प्राइस ही ले लो, कोई बात नहीं, वो मैन्युअली 1 सेकंड का काम है, कितना 11950, बैंक निफ्टी निफ्टी कौन सा भी ले लो चलेगा, काम एक ही है बस, कोई बात नहीं पड़ता है। यहाँ पे तो क्वांटिटी नहीं है, खाली बस प्राइस और प्लस इंडियन बैंक से दोनों को कैलकुलेटर हो जाता। ये तो हुआ आपका बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस का शायद, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है आप गूगल एक्सेल शीट से भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइक्रोसॉफ्ट से भी यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट करने के लिए आपको ये है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट है, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है, और गूगल एक्सेल शीट का वो भी फास्ट होता है, मगर वो साला छोटा छोटा थोड़ा मज़ा नहीं आता। तो ये है बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस का हो गया, या एस्ट्रोलॉजी एक्सेल शीट को मैंने ये इसका अंदर दोनों एडजस्ट कर दिया, बार बार खोलना इधर उधर जाना एक जगह काम हो गया बस। अभी आए हम लोग इस की स्टॉक एनालिसिस, तो 5 ईयर्स वो तो ऑलरेडी वैसे ही है, उसको एडिट नहीं किया, ये पे डी आई डाटा को एडिट कर दिया है पूरा अच्छा तरीके से, आग लगाते ही आपको दिखाई देगा। हाँ यह माइक्रो एक्सेल शीट से आपको, यहाँ पे मैंने माइक्रो एक्सेल शीट पहले आधा काम किया था, बाद में ये मैंने गूगल फाइनेंशियल से मैंने ये प्रोफाइल बनाया। अगर इसको एडिट करना फिर से तो मेरे को यहाँ एडिट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे ये सब एडिट नहीं करेंगे, ये सब ना माइक्रोसॉफ्ट नहीं यूज़ करेंगे इसमें, ना माइक्रोसॉफ्ट में यूज़ करेंगे नहीं, वो भी कर सकता है, मगर उसमें ना वॉल्यूम प्रोफाइल आपको दिखेगा नहीं, फिर से वहाँ पे एडिट करना पड़ेगा, फिर से टाइम निकालना पड़ेगा, 2 4 5 घंटा, 2 घंटा तो लगेगा ही मैक्सिमम। तो ये पाई डी आई डाटा का हम एक्सेल शीट से देखेंगे। अगर आपके लिए वेबसाइट में फ्री लगा दिया, ये सॉरी ये पाई डी आई डाटा का फ्री नहीं है, ये ग्लोबली डाटा। हाँ ये जो काम किया मैंने, ए पाई डी आई डाटा का मैंने ना ग्लोबल, जो बार बार आप ग्लोबली डाटा देखेगा तो वो देखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, वॉल्यूम यहाँ पे और कुछ लग कर दिया मैंने, क्योंकि वॉल्यूम मंथली वॉल्यूम ये ओपन इंटरेस्ट लॉक कर दिया, क्योंकि ज़रूरत नहीं, उतना क्या करेगा वो, ऑप्शन से देखने से पता चल जाता है, उसको देख के क्या करेंगे। तो वॉल्यूम है राइट, वॉल्यूम को हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कुछ चीज़ दिखा देता वो कंडीशन, आप लोग इन्हें वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है।
एनएससी वेबसाइट से देखो, हिस्ट्री में जाएंगे, चलो उतना था अभी। एनएससी वेबसाइट से जाने के बाद 47 वॉल्यूम डाउनलोड कर लेना, वो देखो यहाँ पे पार्टिसिपेंट वॉल्यूम एट द पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट रेट। अभी हम लोग क्या करेंगे जब डाउनलोड करेंगे तो ये क्या है, ये द वॉल्यूम राइट, वॉल्यूम देखो इधर वॉल्यूम आपको नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे दिखा देंगे अभी ना, ये देखो ट्रेडिंग वॉल्यूम राइट, सब आर्टिफिशियल बन गया अभी। हम लोग कितना दिन रहेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम, ठीक है तो ये वॉल्यूम को हम इसको काट देंगे, हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे देखो, फिर से यहाँ पे 1 2, हाँ ये 2 को छोड़ कर इतना बस। अभी क्या करेंगे देखो, आप लोग को दिखा रहा हूँ, इतना से इतना ही डाटा लेना है ठीक है, और जो पीछे वाला डाटा आप देख रहा है इसको, ये दोनों को नहीं लेना है ठीक है, इतना ही डाटा लेना है क्योंकि ये टोटल इसको नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए है, हम लोग टोटल माइनस वहाँ प्लस माइनस करके रख देगा, उसको ज़रूरत नहीं तो होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे देखो, यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम ले रहा हो राइट, अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, चाहिए तो इसको कर करके ऐसा लेके आ सकते हैं। अब क्या होगा यार, देखा देखा डबल क्लिक होगा शायद उसमें, चलो ऐसा नहीं लेगा, बहुत दिन माइक्रोसॉफ्ट में काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा ले लेंगे। हाँ अब ये ना हर रोज़ आपने मोबाइल से भी कर सकता है माइक्रोसॉफ्ट स्किल, मतलब आप गूगल फाइनेंशियल में है ना, तो मैंने हर रोज़ अपडेट कर देंगे, आप लोग एडिट करने का भी ज़रूरत नहीं। हाँ चाहे तो आप वहाँ पर लाइव भी नहीं किया, मैंने लाइव भी कर सकते हैं, मैन्युअली कर देंगे ठीक चल जाएगा, उसमें क्या है 1-2 मिनट का काम है। यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, मोबाइल से हो जाता है ठीक है, ये लास्ट 2 डाटा नहीं लेना, टोटल भी मैं ले ले कोई बात नहीं, नहीं लेते भी चलेगा, इसका नहीं लेना ये 2 ठीक है। तो हम लोग क्या किया, ये कौन सा है भाई डाटा, पार्टिसिपेंट बोलिए हम राइट, और यार बोलिए हम कॉपी। अभी हम लोग एक्सेल शीट में कहाँ है भाई, हमारा एक्सेल ओपन नहीं किया, और माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के हम लोग यहाँ पे गूगल फाइनेंशियल आ गया राइट। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम में आ गए, अच्छे यहाँ पे क्या करेंगे, यह पेस्ट कर देंगे, हो गया हमारा काम, पेस्ट हो गया हमारा कैलकुलेटर वगैरह जो होगा हो गया, अभी हम लोग हो गया राइट, अभी वॉल्यूम का काम होगा, इसको डिलीट करें तो चल जाएगा। अभी ये हमारा पास ओपन इंटरेस्ट राइट, पार्टिसिपेंट वाई आदि ओपन इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, तो हम सेम उसी तरह से इसको भी कॉपी करेंगे, इसको बस 2 लास्ट 2 छोड़ देना। अभी इसको फिर से कॉपी गूगल फाइनेंशियल से, फिर से हमने यहाँ पे जाएंगे, मोबाइल से हो जाता ठीक है, फिर पेस्ट कर देंगे, बस हमारा काम होगा, पेस्ट करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे। अभी हम लोग घंटा क्या किया पता नहीं, हमारा काम तो होगा राइट, ये मार्केट डाटा, ये लाइव डाटा चलते रहेगा, ये लाइव है ठीक है, ये लाइव डाटा है, आपको कुछ करने का छेड़खानी करने का ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक चलते ही रहेगा। हाँ अगर कोई इश्यू आया तो इसको भी लाइव मतलब ठीक कर देंगे मैं ठीक है, और या चाहिए तो हम लोग ये जो भी ये भी लाइव कर सकता है, मगर रहने दे तो कोई बात नहीं, 1 सेकंड का काम है चल जाता है हमारा। तो ये वो ग्लोबल डाटा आप देख सकते हैं जो आपको देखना है, हर रोज लाइव चलेगा ये ग्लोबल डाटा, आपको यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं वो आपका मर्जी। हाँ यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे यही सब भी देख सकते, सेंसेक्स May 14 द लो प्राइस देन हाई प्राइस राइट, PBS क्लोज प्राइस, अब ये हाँ मैं PBS क्लोज प्राइस देख रहा हूँ, कहाँ चले गए यार,
गूगल शीट में यही दिक्कत होता है, कभी भी कुछ भी करो ना लाइव चलता है साला। और उसको बाद हम लोग, हमारा काम क्या है, ग्लोबल डाटा तो जब ट्रेड करेंगे वो तो दूसरा दिन देखना ठीक रहेगा, कभी भी मतलब देखे तो देख सकते हैं। वहाँ पे ग्लोबल डाटा ऐड करना था, वो जो बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस राइट वहाँ पे अच्छा रहता था मेरे ख्याल से, वहाँ पे ऐड करना था लाइव डाटा। चलो कोई बात नहीं, अगर चाहिए तो फिर क्या करना है, यहाँ ओपन इंटरेस्ट राइट, आप लोग यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ले लेना प्लस दिस बोलियम राइट, दोनों ले लेना। उसके बाद आप आ जाना यहाँ पे आ जाओ, आपको ज़्यादा घंटा भी देखना नहीं, यहाँ पे देखे तो देख सकते हैं, इतना दिमाग ख़राब आप हो जाएगा फिर, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, इंडेक्स एफ आई डाटा, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, इंडेक्स पुट लॉन्ग है, इंडेक्स कॉल लॉन्ग है। ये दुनियादारी का दिमाग लगा कि मेरा खोपड़ी का ख़राब करेंगे, मैं छोड़ दिया है सब का काम मैंने। अभी ये देखो यहाँ पे क्या कॉल लॉन्ग कितना किया, इंडेक्स में फ्यूचर में क्या किया इन लोग, ठीक है ये देख, यहाँ पे क्या किया देखो, फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर क्लाइंट, यहाँ ई एफ आई ने क्या किया देखो, ई एफ आई ने क्या किया माइनस राइट द पुट इंडेक्स इंडेक्स पुट शॉर्ट राइट, यहाँ पे 8896 88982 जो भी है इसको शॉर्ट कर गया है, ठीक है। तो टोटल एवरेस्ट में हम लोग सब झंडा भी नहीं देखेंगे, हम लोग देखने का है ये सब, देखने का काम मैंने आप लोग को आसान बना दिया, बस खाली आग लगाओ देख लो। यहाँ पे नीचे सब लोग कुछ करना नहीं, उतना सा देखना नहीं, आप लोग इंडेक्स में क्या हुआ पुट में क्या हुआ वो सब देखना नहीं है, सब आप वॉल्यूम देख लो बस, हो गया काम आपका भाई। यहाँ पे देखो वॉल्यूम बना दिया आप, यहाँ पे आओ देखो यह टास्क करो, देख रहा है वहाँ पे कितना हुआ, इंडेक्स फ्यूचर मतलब ये पूरा नाम नहीं लिखा वहाँ पे जगह का मैं बोल के, इंडेक्स फ्यूचर आई एन इंडेक्स फ्यूचर राइट, इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा सा यहाँ पे ना आपने यहाँ पे ये इंडेक्स फ्यूचर यहाँ पे ना क्या हो रहा है मुझे समझ में। हाँ ये गूगल फाइनेंशियल में चला, माउस रहे तो मैं लैपटॉप से चला रहा हूँ ना, अबे साला यार जल्दी का काम है ये। हाँ ये ठीक है कि ना, ये लॉक कर देना था मेरे को साला, लॉक कर देना पूरा प्रूफ लॉक करेंगे, रुको साले तेरे को लॉक नहीं तो मजा नहीं है, पूरा लॉक करेंगे। लॉक करने से क्या होता है फिर, यहाँ पे छोड़ो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन यहाँ पे कर ले तो बाद में ही कर देंगे, ठीक है। ये एपीआई डाटा लिखा है इसमें, ये डीआई डाटा ये प्रो डाटा ये क्लाइंट, क्यों सीधा सीधा रखा है मालूम है, सीधा इसीलिए रखा है जो एक तरह से डाटा एनालाइज हो जाता है, दूर दूर रखने से मालूम नहीं पड़ता क्या है नहीं है। देखो एफ आई ने आज कितना, 16 तारीख है ना राइट, ये है 13 तारीख का डाटा मैं एनालाइज कर रहा हूँ। देखो क्या है इंडेक्स फ्यूचर में, क्या है भी हुए एफ आई का भी हुए है इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट कर रहा है राइट इन लोग, ये माइनस राइट, ये माइनस रेड कलर, ये साइड का जितना भी सब माइनस है, ये साइड का यहाँ पे देखो माइनस लिखा है ऑलरेडी, यहाँ पे भी माइनस मतलब इस साइड का माइनस है, इस साइड का प्लस है, तो अब वो समझ आता ना। देखो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया राइट, स्टॉक फ्यूचर में बाय कर दिया इन लोग, कितना क्वांटिटी है ये भी तो यहाँ पे लिखा है, 12,09,957 रुपीज यहाँ पे इन लोग बाय किया है राइट, तो फ्यूचर से ज़्यादा बाय है तो स्टॉक में। उसको बाद कॉल भी बाय किया इन लोग, ठीक है, और इंडेक्स पुट भी बाई किया, हाँ ये साइड बाई है, तो पुट बाई करने से मार्केट का ट्रेंड नीचे जाता, या 30 लाख पुट बाई है और 12 लाख बाई है तुम्हारा इधर 68 3 4 5 हाँ 68,000 इधर बाइंग है इंडेक्स कॉल साइड तरह, और यहाँ पे 30 लाख
और यहाँ पे 88,000 और प्लस 88 जो अगर लगा लिया तो डबल करना पड़ता अगर इसको फ्यूचर में हैशिंग करने के लिए, तो अगर 80 80 160, तो 160 प्लस 30 कितना हो रहा है? थर्टी स्टॉक फुट में इतना बाई इतना क्यों किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग को व्यू क्या है, इतना बाई क्यों किया? इंडेक्स इंडेक्स पुट, हाँ इंडेक्स पुट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाई है यहाँ कंप्रेस, हाँ यहाँ पे ओहो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में इन लोग बाई करके गए राइट, इसीलिए यहाँ पे हेजिंग किया है इन लोग रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए। तो मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं हाफ साइड ही बना है यहाँ पे, क्योंकि हेजिंग है राइट। इसका भी फ्यूचर का प्राइस पकड़ना पड़ेगा ना, 12 लाख और वहाँ पे 13 14 14 लाख, तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास? 30 लाख राइट, 30 लाख। और यहाँ पे हमारे पास 2 लाख, इसमें 2 लाख ही पकड़ेंगे, 2 लाख और इधर 2 साल लाख, 5 लाख, 2 लाख और 12 लाख का 12 12 24, हाँ इसे हैजिंग किया साले लोग हराम कर लोग। तो मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं अपसाइड है। इधर का क्या है, इधर भी 30 स्टॉक कॉल राइट, कॉल भी साले लोग स्टॉक कॉल में भी राइट किया, कॉल को मतलब सेल किया है, और यहाँ पे क्या किया स्टॉक पुट को कुछ बाई किया। तो कॉल पुट ज़्यादा नहीं है, 30,298 ठीक है, ज़्यादा नहीं है, यही आंकड़ा ज़्यादा देख रहा है। स्टॉक इंडेक्स पुट में ज़्यादा बाई किया है राइट, इंडेक्स पुट, हाँ ये जो है फ्यूचर है। तो यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे डीआई का क्या भी हुए, डीआई का स्टॉक फ्यूचर में सेल कर गया, स्टॉक फ्यूचर मतलब स्टॉक में इन लोग सेल किया है डीआई में। इसका ट्रेंड सीधा सीधा मतलब है मार्केट नीचे तरफ है, हाँ डीआई को, और प्रो का भी वही हाल है। यहाँ पे कितना कल, यहाँ पे कितना क्वांटिटी शॉर्ट किया, 16, 1 2 3 4 5 6 7 60 लाख, 60,174 रुपीस डीआई ने यहाँ पे शॉर्ट किया। जैसे डीआई के ट्रेंड है वहाँ पे मार्केट का डाउन है। यहाँ पे क्या हुआ, इंडेक्स कॉल राइट, 23 23 3 4 5, हाँ 23,609 सॉरी 6,090 जो भी सुनो अभी, हाँ ये यहाँ पे स्टॉक कॉल, कॉल को राइट किया भाई स्टॉक। तो कहीं ना कहीं इसका मार्केट डाउन, एक दो वाला डाउन है, एक दो ये दो बंदा जो है ये पाई और क्लाइंट, कहीं ना कहीं आज जाके मैं पहला बार देख रहा हूँ इन लोग उरे साले क्या है स्टॉक फ्यूचर। हाँ स्टॉक में चल सकता है अलग अलग सेक्टर में, शायद मेरे ख्याल से इन लोग स्टॉक में गया तो कोई बात नहीं, मगर यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में इन लोग नाम मात्र, मतलब स्टॉक में इन लोग इंडेक्स में इन लोग कुछ पोजीशन ज़्यादा नहीं, कुछ इंडेक्स पुट को कुछ राइट कर गया। तो मार्केट पुट मतलब इंडेक्स को लेके इन लोग पॉजिटिव है, अगर स्टॉक फ्यूचर को लेके इन लोग बुलिश है राइट। तो कहना कि इन लोग को मार्केट ट्रेंड जो है, हम लोग को जो ट्रेंड है सीधा सीधा मतलब है अपसाइड तरफ है देख रहा है, और ए पाई भी अपसाइड है, डीआई नेगेटिव है, प्रो नेगेटिव है, बस खेल खत्म, दुकान बंद, इतना अच्छा बात है। और यहाँ पे ओवरऑल द नेट पोजीशन कौन किसका सबसे ज़्यादा नेट पोजीशन माइनस वगैरह को सेक्टर सेक्टर करके प्लस माइनस करने के बाद कितना पोजीशन बचता है टोटल एवरेस्ट, तो एवरेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे कितना है नेट पोजीशन डीआई का, डीआई ने धमाका शॉर्ट करा है मतलब तो पोजीशन ठीक है। और क्लांट 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 सबसे ज़्यादा है, तो कहना कहीं मतलब पोजीशन यहाँ पे बढ़ा है, क्लाइंट बढ़ा है और डीआई बढ़ा है ठीक है। ये पाई ने कुछ पोजीशन रखा है, ज़्यादा पोजीशन नहीं बनाया, और प्रो कुछ पोजीशन, मतलब क्लाइंट बहुत तेज है भाई बुलिश फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में देखेंगे कल क्या होता है। मार्केट का ट्रेंड तो बुलिश दिखा रहा है, जो एफआई का डाटा जो है और क्लाइंट का डाटा, और डीआई नेगेटिव है, प्रो नेगेटिव है, हमने क्या कर सकते हैं भाई। हाँ क्लांड एक्सिस का अच्छा किया, मैंने पसंद आया स्टॉक में, स्टॉक में इन लोग बोलिश है
क्योंकि इंडेक्स में बुलिश नहीं है इन लोग, ठीक है। तो इंडेक्स में भी बुलिश है क्योंकि वहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या किया मैंने इंट्रास, यहाँ पे साले लोग क्या किया देखो, ब्रश लेंगे ये जो देख रहा है ये, सॉरी ये नहीं, ये नहीं, ये देखो इंडेक्स पुट को इन लोग कहीं ना कहीं राइट किया, राइट। इंडेक्स पुट को मतलब सेल करने से मार्केट ऊपर जाता है, सबको पता है। तो थैंक यू डियर माय फ्रेंड्स, ये है मेरा एक्सेल शीट। इसको खाली बस उतना ही काम है आपको, ज़्यादा यहाँ पे बाई है, यहाँ पे सेल है, वो वगैरह ये वगैरह सब में थक गया, वो सब नहीं देखेंगे। शॉर्टकट काम किया, वॉल्यूम वॉल्यूम बना दिया, देखो मजा लो, बस खत्म खेल। और ग्लोबली डाटा आप देख सकते हैं, इसको भी देख के मजा ले लो। और इसका लाइव चलता रहता आने वाले समय, तो ये लाइव भी कर सकता है क्या, 1 मिनट का काम है, हाँ कर लो लाइव करना, फिर कुकिंग डाउनलोड करना, ये साला दिमाग का खास धज्जे उड़ा जाता। तो थैंक यू डियर माय फ्रेंड्स। हाँ, ये एक्सेल शीट जितना भी सारे जो भी एक्सेल शीट है आपके लिए फ्री बना दिया मैंने, कुछ एक्सेल शीट 4 सीट देखो, मेहनत लगता है, ये भी चाहिए तो आप लोग को प्यार में सब कुछ मिल जाएगा फ्री, ऐसा कुछ नहीं है। मगर कुछ के लिए एक चीज कंडीशन में आप लोग को दिखाएंगे, एक चीज मैंने मेरा कहा है, हाँ इसमें चले जाएंगे। देखो मेरे पास बहुत सारे डोमेन नेम ही खरीद के मैंने रखा है, मगर ये बिल्कुल फ्री क्यों किया, क्योंकि क्या जरूरत है भाई पैसा उड़ाने का है, राइट। यहाँ पे डोमेन नेम नहीं है, ये मेरा डोमेन है, देखो ये के टेक्नोलॉजी है या फेस फेस लुक, ठीक है डोमेन है, खरीद के रखा, ये एक्सपायर हो जाएगा, मैं खरीदेंगे नहीं, छोड़ देंगे इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी देखो क्या करना, आप लोग यहाँ पे जाके ये सब स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। आप लोग देखो ऑप्शन चेन में चले जाना, तो यहाँ पे आप चाहे तो ब्रोकर भी खोल सकते हैं, कुछ जो मर्जी आपके पास, आप चले जाओ। उसके बाद देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस है, ये आप लोग को मैं बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग जो ट्रेड करता है ना बैंक निफ्टी में, कहीं ना कहीं लॉस करता है भाई, तो मोबाइल में बहुत समय लगता है। इसमें ना आप लोग आराम से ये भी लाइव कर सकते हैं हम, क्योंकि देखो ग्लोबली डाटा अगर यहाँ पे, हाँ इसको लाइव कैसा हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, मतलब प्राइस लाइव हो जाएगा आपको, मगर उतना मैन्युअली चल जाएगा प्राइस को, अगर लाइव कर दिया तो फिर लाइव भी चलते रहेगा। ऑप्शन सेन देखो, ये मेरा ऑप्शन सेन भी मैंने इसके कहा है यार, ग्लोबल डाटा कहा है, रिसेंट डाटा में जाएंगे, अब बंद कर देंगे 1 सेकेंड का काम, ग्लोबल डाटा में जाएंगे, ये देखो ऑप्शन सेन कॉल और पुट बना के रख दिया, ठीक है। यहाँ पे अभी कौन सा महीने कौन सा डेट का है देखो, यहाँ पे 26 का है मेरे ख्याल से, 26 का डेट है, मंथली का है, तो ये ऑप्शन से नहीं चाहिए तो इसको आटे मतलब आशा से डिजाइन वगैरह कर सकता है, क्या जरूरत है, इतना सारे कंपनी है देखो, फायर का फायर में इतना सब प्रोवाइड करके डाटा, आईपीयू इसमें सोलो डाटा आएगा, क्योंकि इसके लिए फिर आईपीयू खरीदना पड़ता है, फास्ट लेना है बोले तो, ठीक है सोलो सोलो नहीं आएगा, लाइव चलेगा तो इसके लिए आईपीयू खरीदना पड़ेगा, नहीं तो इसको फिर दूसरा ब्रोकर साथ लाइव क्या जरूरत है भाई, अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे को, चल जाता, क्या करेंगे इसको बना के, ठीक है। तो डियर माय फ्रेंड्स देखो बिल्कुल आपके लिए हर चीज के, अगर आप लोग सपोर्ट करें तो हर चीज हो जाएगा, ठीक है हर चीज। मैंने एक चीज का आप लोग को जो भी है कंडीशन यहाँ पे मैंने ये चीज तो फ्री कर दिया, राइट। देखो अब लोग वेबसाइट में आओ, नया जो भी नया बंदा है ठीक है, आके यहाँ पे जितना भी वीडियो है धीरे धीरे देख लो फ्री, यहाँ पे जितना देखो फ्री वीडियोस है, बहुत सारे वीडियो है, तो ये जितना भी है नॉलेजफुल वीडियो है, एक्सपायरी डे में कैसे प्रॉफिट हो, स्विंग ट्रेडिंग जो भी है सब फ्री है, मतलब यहाँ पे देख के थोड़ा मतलब ज़्यादा यूट्यूब में दुनियादारी का वीडियो है, इसमें कम वीडियो रखा है क्योंकि इसके एडुकेशनल के लिए जो देख के आपको फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा वीडियो इसीलिए नहीं रखा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हाँ एक कंडीशन है, अगर आप
कोर्स बाय करे तो कर सकता है, बाय करे तो यहाँ से पे कर सकता है। मैं पे करने से आपको पहला आपको फ़ोन करना ज़रूरी है, फ़ोन करो, पे नहीं करो तो भी चलेगा। आपको एक कंडीशन कर रहा हूँ, आप कितना भी पे करो, पे न को करो, ठीक है, जो आपका मीटर है। मगर एक चीज़ मैंने कहा यार, कुछ तो यहाँ पे मैंने क्या मेंशन कर दिया, देखो 40 वीडियोस से बहुत ज़्यादा वीडियो है, 40 वीडियोस नहीं, इससे ज़्यादा वीडियो है। और मैं खुद ही वीडियो है, मैं आप लोग को नॉलेज देते देते इतना वीडियोस बना देंगे, क्या बताओ, मतलब लाइव जूम क्लास लिया तो ठीक है। तो ये 40 वीडियो क्या है, आपको देख के थोड़ा सा आइडिया, बेसिक आइडिया हो जाएगा, तो उसके बाद जूम क्लास ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर तो आपको कुछ नहीं आएगा, मेरे बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा, आपको गुस्सा हो जाएगा, क्या ज़रूरत है। इसीलिए मोर देन 40 वीडियो जो भी है, वीडियो 40-30 वीडियो, फिर 50 भी हो सकता है, तो उसको देखना है, देख के थोड़ा सा नॉलेज फुल हो जाएगा, उसके बाद आप आ जाना। हाँ यहाँ पे देखो 40 मोर देन हैविंग स्कीप योर लाइफ, तो जो भी है माई क्लास रूम इज 5,000 3,000 राइट रुपीज लाइव जूम क्लास, ठीक है, पे इफ माई क्लास फ्री द डोनेट, ठीक है। अगर आपने एक कंडीशन है इसमें, अगर कभी भी डोनेट करे तो आपको क्लास मेरे लिए फ्री है, ठीक है, आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, सीधा सीधा अपने यहाँ पे क्या करना, डोनेट करना है, ठीक है। वो कितना करो जो भी करो आपका मैटर है, ठीक है, डोनेट करो, बिल्कुल डोनेट करके स्क्रीनशॉट भेजा देना। हाँ इसमें कितना डोनेट किया, कितना पैसा, वो नौकर को दिखाओ, ठीक है, मतलब इतना पेमेंट किया, वो पेमेंट नहीं है, बस वो जो भी आप पेमेंट करता है ना, उसके बाद आपके पास एक लेटर आता है, एक वो बस सर्टिफिकेट जैसे, मतलब वहाँ पे वो दिखा दो, बस उतना ही काफ़ी है, कितना पेमेंट किया, डॉक्यूमेंट है, वो सब नोट को दिखाओ, आप कितना पैसा, 1 रुपया करो, 10 रुपये करो, 300 करो, कुछ भी करो, वो आपका मैटर है। मगर आप मेरा पैसा क्या है, 3,000 2,000 में क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो इससे अच्छा है अब लोग यहाँ पे डोनेट करो, किसी को अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा, वो ठीक है। तो डियर माई फ्रेंड्स, ठीक है, इतना सब बात है, और हजारों में हजारों पैसे उड़ाया जो भी हो, तो अब लोग को जो भी जितना मुझे आता उतना अब लोग को सिखाऊंगा, ठीक है। और चाहिए हम लाइव ट्रेड करके आपको दिखाए ना दिखाए, मगर आप लाइव खुद ट्रेडर बनना है ऐसा, तो यहाँ पे आना, ठीक है डियर माई फ्रेंड्स। अगर कभी भी डोनेट करना जरूरी है, क्योंकि अच्छा रहता है यार, दिल में अच्छा लगता है ऐसा, पैसा तो जिंदगी भर कमाएंगे कैसा भी, ठीक है। तो डियर माई फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और एक्सेल शीट तो आपको स्टॉप लॉस का ही मिल गया, और दूसरा एक्सेल शीट जो है तो टेलीग्राम चैनल का अंदर है, मैंने दिखा देंगे आप लोग को। यहाँ पे आ जाओ, कौन वे, यहाँ कौन सा दिया यार, इम्पोर्टेंट कौन सा है भाई, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अपडेट कर दिया है, ये देखो बहुत फास्ट होता है, राइट, इसको ले लेंगे। यहाँ पे देखो ये सब ये अपडेट कर दिया, हाँ इस तरह से हर जो भी है मैं सब अपडेट करता रहा आगे भले, तो मैं सब अपडेट कर दिया टेलीग्राम जो हमारा ओल्ड नंबर शिव है, तो उसके लिए हर चीज़ अपडेट होगा। तो थैंक यू डियर माई फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी नाइट, बाय बाय, टेक केयर।